एवरीवन, वेलकम टू सीएचडी। माय सेल्फ चेतन सिंह भी। चलो नेक्स्ट पीआईक्यू करते हैं, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का, मे 19 का। तो क्वेश्चन है, अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 70 एंड एक्सिस 90 एमएम लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन स्पेस ऑन एचपी। अच्छा, एचपी पे रेस्ट कर रहा। चलो तो एचपी का ही करो वापस, है ना? ठीक है, ये मेरा रेफरेंस लाइन हो गया एक्स वाई। अच्छा, किस पे रेस्ट कर रहा है? एचपी पे रेस्ट कर रहा है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? नीचे से। चलो ठीक है। तो अभी डायमीटर 70, हाँ 70 का 35 का बना जाए रेडियस का। चलो आप ओके, इसको 8 पार्ट में कर दो सबसे पहले, क्योंकि जनरेटर सो लगेगा ही। ओके हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ही बनाओ। चलो पहले, और एक्सिस 90 एमएम लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इस बेस ऑन एचपी। अच्छा, रेस्टिंग ऑन इस बेस ऑन एचपी, तो किस पे रेस्ट कर रहा है? बेस पे रेस्ट कर रहा है, एचपी पे। ओके इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन। अच्छा पहले ये पूरा कर लो, फर्स्ट ये पूरा कर लो। ओके अभी इसको कट करो, कितना है? एक्सिस 90, तो ज्यादा ऊपर ले लो, चलो थोड़ा सा ऊपर, 90 तो बड़ा हो गया भाई। ठीक है, अरे यार। ओके अब resting on its base on HP cut by section pin perpendicular to pin parallel to and 15 mm away from one of its end generators. अच्छा, इसके end generator से 15 mm away है, तो कैसे बनाओगे? तो है ना, मेरे को है ना roller scale लगेगा। ठीक है, roller scale से ना मैं इससे parallel ही 15 mm away जाऊंगा, तो roller scale से वो easily हो जाएगा। ओके, तो इससे 15 mm away जाओ, मतलब roller रखो। हाँ ठीक है, और roller पे already रहता ही है ना, अगर इससे इससे parallel roller रखोगे, parallel parallel जाओ 15, चलो यहाँ पे कट गया 15। ठीक है, तो मेरे पास रोलर स्केल नहीं है, तो मैं आपको बता देता, इससे पैरल, तो इससे पैरल रख के आगे जाओगे तो वो दिख जाएगा रोलर पे 15, समझेगा? ठीक है, वो मार्किंग रहता है रोलर पे। अच्छा, तो सिर्फ ये मेरा रिटेन पार्ट रहेगा ना, इतना रिटेन पार्ट रहेगा। अच्छा, बेस को कट करता ना, अभी नेमिंग कैसा था देखो, अगर बेस को कट कर रहा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको बना दो। हाँ, अब मेरे को वापस ये है कि ये वाले जनरेटर्स को कट कर रहा है क्या 28 के? हाँ, तो मेरा थोड़ा रफ है, आपका शायद मेरे ख्याल से परफेक्ट है। ठीक है, मतलब रहेगा तो ये बाहर ही आएगा, पर अगर अंदर भी आया तो उसको नेमिंग करना, नहीं आएगा ऐसा ही रहेगा। चलो ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होते। तो कभी भी मैंने बोला था ना बेस पे, प्रीवियस में बोला था बेस पे क्या करेगा, उसको ए और बी मार्किंग कर देने का। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, और हाँ दो, क्यों? बिकॉज दो रहेगा ना ये सर्कमफेरेंस है, तो दो जगह कट करेगा अगर इसका प्रोजेक्शन करोगे, इसलिए दो पॉइंट। ओके, अब ये भी क्या आएगा, इसका भी एक काम करो, ये भी तो करो जॉइन जनरेटर। हाँ, तो ये तो क्या कर रहा है, बेस पे नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, P36 डैश। चलो इसका एक काम करो, एक्सिस लाइन बना दो, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। ठीक है, और इस पे भी कट करा, और जनरेटर लाइट रहता है, डार्क में रहता है। हाँ, तो ये भी क्या आएगा, 46 P46 डैश, और ये जो पॉइंट है ना ये क्या है, P5 डैश। चलो इसका प्रोजेक्शन करते हैं, चलो इसका प्रोजेक्शन, तो बेस का तो क्या होता है, सर्कमफेरेंस पे आएगा ए और बी। ठीक है, P36, अच्छा 37 है, सॉरी 6 नहीं 7, तो इसका नहीं समझेगा, तो लास्ट टाइम जैसे किया था हम लोगों ने, क्या करने का, इसको इस पर प्रोजेक्ट कर देने का। ठीक है, हाँ फिर इसको नीचे लेके आओ, है ना, और रोटेट कर दो। ओके ठीक है, तो ये मेरे को मिल जाएगा पी, समझा ना, इसको हॉरिजॉन्टली इधर लेके आओ, इधर, हाँ फिर वापस यहाँ पे ऊपर रख के रोटेट कर दो। ओके हाँ, ये आएगा, चलो नेमिंग बाद में करते, बाद में पहले ज्वाइन कर लेंगे, बाद में नेम करेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में वो बीच में आता है। ठीक है, फिर P46 सेम, चलो प्रोजेक्शन किया, चलो नीचे 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 भाई। ठीक है, ये P6, अरे नेमिंग नहीं, चलो ठीक है, ये 4 आएगा। हाँ, और लास्ट वाला P5 इधर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा बना देखो, सब क्या बन रहा है, एक पैराबोला, समझा, क्या बोला, पैराबोला। ये P3 नहीं, सॉरी ये P3 है, ये P7 है। ठीक है, O7 है ना वो, तो P7 ही रहेगा। ये P6, ये P4 और ये P5। ओके हाँ, अब इस पे डार्क, हाँ ठीक है, हाँ तो और कौन सा आएगा, देखो ये रिटेन पार्ट है, तो इतना ही डार्क आएगा। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, एक्चुअली प्रीवियस समय भी मेरा यहाँ का है ना लाइट करना रह गया था, जो
जो डिसेंबर नाइन्थ का ध्यान रखना, ये वाला पार्ट लाइट आएगा, सेम था प्रीवियस ईयर, वो भी बेस पे कट हो रहा था, ठीक है। तो ये रिटेन पार्ट है, ये डार्क आएगा, क्योंकि देखो अगर देखेंगे ये ओ, ठीक है, ओ डैश है, ये वन डैश है, इसका तो नेमिंग नहीं किया हम लोगों ने, वन डैश, ये टू डैश, एट डैश, ठीक है, हाँ, ये थ्री डैश, सेवन डैश, ये फोर डैश, सिक्स डैश, और ये फाइव डैश ना, तो ओ डैश वन डैश तो पूरा ही निकल रहा है ना, ठीक है, तो वो आएगा ही नहीं, ओके। और जनरेटर है तो ये सब डार्क में आएगा नहीं, तो उसमें कैसे ये सब डार्क आया था, ठीक है। तो ये प्रीवियस सम में भी ध्यान देना, ओके, कि ये वाला पार्ट रहेगा ना वो लाइट आएगा, सेम प्रीवियस सम था, ओके। अब क्या क्या बोला है, ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सेक्शनल साइड व्यू बोला है, तो चलो सेम 45 डिग्री का लाइन खींचो, तो चलो ये प्रोजेक्शन, ओके, हाँ, फिर सेंटर लाइन, ओके, यहां से चलो ज्वाइन कर दो, हाँ, फिर ये वाला भी और ये वाला भी, चलो ज्वाइन करो, ठीक है। और इनको नेमिंग, तो ये क्या है, सेवन डबल डैश, ये सिक्स डबल डैश, एट डबल डैश, ये वन डबल डैश, फाइव डबल डैश, ये टू डबल डैश, फोर डबल डैश, और ये फाइव डबल डैश, ओके। हाँ, ये एक्सिस लाइन है, कोई बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, वैसे भी डायरेक्ट बना सकते हो, बिकॉज इसमें तो जनरेटर्स ये सब लाइट ही रहेगा, ओके। अब यहाँ से प्रोजेक्शन, चलो ये पी फाइव, तो फाइव कौन सा है मेरा, ये बीच वाला, ये पी फाइव हो गया, चलो डबल डैश, यहाँ से किया फोर और सिक्स, तो ये पी सिक्स डबल डैश, पी इसमें बना सकते डायरेक्ट, मेरे को पता है, नहीं तो एक बार लिखो मत, चलो नेमिंग मत करो, बेटर रहेगा, वापस वही प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो थ्री और सेवन, ये सेवन और ये थ्री डबल डैश, अच्छा वापस बेस का मेरे को यहाँ से समझेगा नहीं, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना पूरा, तो क्या करने का, बेस का यहाँ से लो, चलो इसको प्रोजेक्शन करो, ये आ रहा ए डबल डैश, यहाँ से प्रोजेक्शन करो, ये आएगा बी डबल डैश, तो ऑब्वियस बात है, देखो ऐसा आएगा, कर्व आएगा, क्योंकि कोन है ना भाई, कोन है तो कर्व ही आएगा ना, ओके। ये भी थोड़ा मेरा एक्चुअली टच नहीं आएगा, सेवन का एंड में, हाँ एंड में, सॉरी थ्री भी है ना, एक मिनट, ऐसा हो के आएगा, ऐसा, हाँ टच हो रहा ना एंड में, ठीक है। तो अब रिटेन पार्ट क्या होगा, देखो रिटेन मतलब मेरा क्या क्या निकल रहा है, ओ सेवन है ना अंदर ही विद इन, है ना, तो सेम रिटेन पार्ट जैसे लास्ट समय क्या था ना, इतना ही रिटेन पार्ट रहेगा, देखो इतना, ये ऐसा रिटेन और ये डार्क, ठीक है, हाँ हो गया, चलो लास्ट समय रह गया था ये वाला, पता ना, तो मतलब सेक्शन कैसे बनाने का, इसको सीधा करो, चलो सीधा किया, चलो इधर ऊपर नीचे किधर होना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अच्छा ये सेक्शन ये भी जाना, ये डार्क रहेगा ना, ऐसा सेक्शन एस एस डैश है ना, एक्स्ट्रा थिक रहता है ना, यही डिफरेंस रहता है, बाकी एक्सिस लाइन जैसा ही रहता है, अच्छा चलो बनाओ, ठीक है, हाँ, तो ये चलो लोकेट किया ए और बी, ठीक है, फिर यहां से पी थ्री सेवन, चलो कट किया सेवन, ओके, फिर चाहिए तो यहाँ से कट कर दो, या फिर यहाँ थ्री सेवन से फोर सिक्स का डिस्टेंस देखो, कट करो, कट किया फोर सिक्स, और फोर सिक्स से फाइव का कट किया पी फाइव, चलो इसका प्रोजेक्शन नीचे, ओके, हाँ हाँ लाइट हाँ सब, चलो फिर यहाँ से इसको सीधा सीधा लेके जाओ, ये वाला लाइन, ओके, थ्री और सिक्स का ये लेके गया, चलो ठीक है, ये सिक्स का, ये फाइव का, ये फोर का, ये थ्री का, ये उसका, इसका, सबका, ठीक है, अच्छा हाँ, ये ए, ये बी है, चलो थ्री सेवन, इसका ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, ठीक है, पी थ्री सेवन, थ्री ये पी थ्री नहीं पी सेवन है, ये मेरा पी थ्री है, ओके, पी फोर, तो एक एक ऊपर जाने का सिंपल, अभी देखो ऐसा आएगा, एक्चुअली थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट ऐसा पैराबोला आएगा, ठीक है, हाँ वो थोड़ा मेरा आगे पीछे आ रहा, वो तुम लोग का परफेक्ट आएगा, ठीक है, और नेमिंग कर लेना, पी थ्री सपोज ये आ गया मेरे को पी फोर, ये पी सिक्स, सॉरी ये पी थ्री, पी फोर सॉरी, यहाँ पे पी थ्री है और ये पी फाइव हो गया, ठीक है, और फिर इसको ऐसा सेक्शन कर देना, खत्म हो गया ऐसा, ठीक है गाइस, चलो तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और डेफिनेटली पढ़ाई करो।